नमस्कार, कॉमन इंडियन वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो बोलने जा रही हूँ उसके पहले ना थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में मालूम होगा, उनके बारे में कुछ लोगों को शायद उतना अच्छे से नहीं मालूम हो। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा बताऊँगी। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ब्रेव राजपूत रूलर थे एंड सबको पता है कि उनको जयचंद नाम के राजा की बेटी से बहुत प्यार था, संयोगिता, एंड संयोगिता को भी उनसे प्यार था। एंड जयचंद मगर पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। इसके वजह से क्या हुआ, जब संयोगिता का स्वयंवर किया उन्होंने तो पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू उन्होंने बनाया और उसको गेटकीपर के हिसाब से रख दिया। अब संयोगिता को सोच में पड़ गई क्या करूँ, क्योंकि वो किसी और राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जाके वो मूर्ति को हार पहना दिया। उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान वहां आए और उन्होंने संयोगिता को अपने साथ लेके चले गए। वापस अपने राज्य में जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनसे शादी की एंड दे वर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश थे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, इसके पहले पृथ्वीराज चौहान के जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने अटैक किया था इंडिया पे और पृथ्वीराज चौहान ने उनके साथ लड़ाई की एंड फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया, हरा के उनको भगा दिया। कैप्चर करने के बाद भी उन्होंने उनके साथ कुछ उनको जेल में बंद नहीं किया या उनको मार नहीं डाला, उनको जाने दिया। ये शायद पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा गलती था। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड कि जयचंद के साथ जब ऐसा हुआ एंड ही वाज सो एंग्री दैट उन्होंने गौरी को सपोर्ट किया, गौरी को सपोर्ट किया और गौरी को सपोर्ट करने के बाद उन्होंने उनके साथ मिलके पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की। पृथ्वीराज चौहान एक्चुअली वाज नॉट रेडी फॉर द बैटल एंड उसके वजह से उनका हार हुआ। उनको पकड़ के लेके गए एंड आप लोगों को पता है उनको अंधा कर दिया था। स्टोरी ऐसा भी है कि उन्होंने अंधा होने के बाद भी उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाया है, ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाया है कि जयचंद आज भी हमारे बीच में है। जयचंद ही थे जो ब्रिटिशर्स के साथ साथ मिले थे, जयचंद ही थे अलग अलग रूप में जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, जयचंद ही थे अलग अलग रूप में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और जयचंद ही है आज भी हमारे दुनिया में जो आज भी हमारे देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। हम लोग उनको जयचंद बोलते हैं। क्यों जयचंद बोलते हैं, क्योंकि जयचंद ने अपने ही दामाद को उनके साथ बिट्रे किया था, जो कि हमारे में सुनाई नहीं, मतलब सुन ही नहीं सकते कि कोई अपनी ही बेटी के बेटी को विधवा कैसे बना सकते हैं, कोई अपने ही बेटी का इतना अनिष्ट कैसे कर सकते हैं। कितना इंसान के अंदर गुस्सा घृणा रहा होगा कि उसने ऐसा किया अपनी बेटी के साथ। एंड आज हमारे जो जयचंद है ना, वो हमारे जयचंद जो है वो छुपे हुए हैं लेफ्ट कबाल नाम से, वो छुपे हुए हैं हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के नाम से, वो छुपे हुए हैं हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम से, जिन लोगों को हमारे देश के लिए कुछ लेना देना नहीं चाहिए। लास्ट दो दिन पहले ही आपको सुषमा जी ने वैक्सीन के बारे में बताया था, पंजाब में क्या हो रहा है, कैसे वैक्सीन्स को बेचा जा रहा है और कैसे वैक्सीन्स को अलग अलग जगह में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, मगर लोगों तक नहीं दिया जा रहा है। और एक एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट चालू है अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग टीवी न्यूज पे, ये बताने के लिए कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों का वैक्सीन क्यों विदेशों को बेच दिया। मगर खुद क्या कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके और उनके पूरी जो दरबारी पत्रकार है, दरबारी लोग हैं, वो लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज आज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ट्विटर, फेसबुक, ये सब लेके है। कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने बोला था कि जो सोशल मीडिया है वो सारे के सारे मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मैं ट्विटर पे हूँ, मेरा करीब करीब 11,000 के ऊपर फॉलोअर्स है, काफ़ी दिनों से हूँ ट्विटर पे, बहुत सारी चीज़ें दिखता है मुझे ट्विटर पे। पहली चीज़ अगर मैंने, क्योंकि मैं अपने प्रोफाइल पे लिखती हूँ कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ, तो मैंने अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया तो इमीडिएटली मुझे शैडो बैन कर दिया जाता है या मेरा अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है।
और जहाँ तक मेरे भी बहुत सारे दोस्तों को, मेरे जानने वालों को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया, ट्विटर ने एक हफ्ते के सस्पेंड किया, किसी किसी को तो परमानेंट सस्पेंड किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग राहुल गांधी, कांग्रेस और इन लोगों को सवाल पूछते हैं। तो ट्विटर क्या कहती है कोर्ट में जाके, ट्विटर कोर्ट में जाके कहती है कि भाई हम लोग इंडिया के लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपहोल्ड कर रहे हैं। सीरियसली, मैं शैडो बैंड थी 2014 से, करीब करीब 5 साल तक मैं शैडो बैंड थी। क्यों शैडो बैंड थी? क्योंकि मैंने 2014 में मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए मैंने ट्विटर पे जितना मेरे से हो सका मैंने किया, और इसके लिए मुझे शैडो बैन कर दिया गया था, क्योंकि मुझे ब्रैकेट किया गया था कि ये मोदी सपोर्टर है, ये राइट विंग है, तो राइट विंग होना एक पाप है, एंड राइट विंग अगर है तो आप लोगों में बिल्कुल कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका बिल्कुल, आप अगर प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप जाके अगर उनसे कंप्लेन भी करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ साल पहले मैंने बरखा दत्त का एक वीडियो अपलोड किया था और उसके वजह से मुझे एक दिन के सस्पेंशन में किया गया था, और मैं जब बिना बोले वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। वो वीडियो क्या था, आप आज ट्विटर पे, आप आज अगर यूट्यूब में जाएंगे तो आपको वो बरखा दत्त का वीडियो मिलेगा, जिसमें वो कश्मीरी पंडितों के जो जेनोसाइड हुआ था उसके लिए वो कश्मीरी पंडितों को ही दोषी मान रही थी। एंड ये मैंने शेयर किया था और मैंने बोला था कि बरखा दत्त कैसी टाइप की रिपोर्टिंग करती है वो आप लोग देख लो, तो इसके लिए मुझे सस्पेंड किया गया था। तो और आज मैं बोल रही हूँ कि ट्विटर जो कर रहा है, ट्विटर जान बूझ के जो राइट विंग है उन लोगों के बातों को आगे तक बढ़ाने नहीं देता है, और राइट विंग को बहुत सोच समझ के ट्वीट करना पड़ता है। और मगर आपको एक और बात बोलूँगी, एक दिन क्या हुआ, ट्विटर जो कहता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग जाके अपनी बात कर सके, तो मैं एक बात आप लोगों को और बोलती हूँ। एक दिन ऑल ऑफ अ सडन, तो 3-4 साल हो चुका होगा, मैंने मेरे टीएल पे मैंने प्रोनोग्राफिक मटेरियल देखा, मैं शॉक में आ गई, प्रोनोग्राफिक मटेरियल ट्विटर पे, डिसगस्टिंग वीडियो। तो मैंने वो देखा, मैंने जाके भाई जिसका ट्वीट था उसका टीएल पे गई, तो जाके देखा मैंने कि वो प्रोनोग्राफिक हैंडल था, उसको ऑब्वियसली मैंने ब्लॉक किया। उसके बाद मैं बहुत कॉशियस हो गई, और जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनका आईडी इमीडिएटली चेक करती हूँ, और मैं इमीडिएटली फॉलो बैक भी नहीं करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि भाई कैसा है, कौन है, क्योंकि उसके बाद भी मैंने बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जो प्रोनोग्राफिक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ट्विटर इज सेइंग दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन हैज टू कम एंड स्पीक अबाउट देमसेल्व्स, देन हाउ इज सच डिसगस्टिंग मटेरियल बीइंग सर्कुलेटेड ऑन इट, एंड व्हेन वी कंप्लेन अबाउट इट, व्हेन वी रिपोर्ट अबाउट इट, नो एक्शन इज टेकन। So, ये चलता है, मगर आज अगर मैंने राहुल गांधी को क्वेश्चन कर दिया, या लेफ्ट के किसी को क्वेश्चन कर दिया, या हमारे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन लोगों को मैंने क्वेश्चन कर दिया, या मैंने किसी को भी जो राइट विंग मोदी के सपोर्टर नहीं है उनको अगर मैंने क्वेश्चन किया, या उनके बारे में मैंने कोई भी ट्वीट किया, तो इमीडिएटली मेरी ट्वीट को ये कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, या मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है, या मतलब इट डजंट रियली मैटर कि आप अब्यूसिव हो या अब्यूसिव नहीं हो, गाली दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बस क्राइटेरिया इतना ही है कि आप मोदी सपोर्टर हो, और मोदी सपोर्टर होने का सबसे बड़ा गुना है आपको आपको खत्म कर दिया, मतलब आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मेरा क्या कहना है ना, ट्विटर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट बुल क्रैप दैट ट्विटर इज टॉकिंग अबाउट, मैं ट्विटर से पूछना चाहती हूँ, तो वॉट अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, द वंस हु डू नॉट अग्री टू योर लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी। नहीं, हम लोग आपके आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, नहीं हमको लेफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर क्या हम बोल नहीं सकते? एंड ट्विटर यही काम नाइजीरिया में किया, नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया, यही काम वो अभी इसराइल में भी कर रहा है, इसराइल में भी वो हर जगह पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपनी बात कर सकते हैं वहां पे एक वो प्लेटफॉर्म कैसे, क्या वो फॉरेन कंट्री में जाके कैसे क्या वो ये काम कर सकता है कि भाई वो अपना अपने पसंद के, या जो उसको पैसा कर देता है या उसको जो स्पॉन्सर कर रहा है, उन लोगों को पावर में लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म
एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे क्या इन्वॉल्व हो सकता है, हाउ इज इट इन्वॉल्विंग गेटिंग इन्वॉल्व इन सच थिंग्स एंड हाउ आर पीपल टॉलरेटिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड मैं, मुझे पता है आज अगर ट्विटर बैन हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा क्या बुरा लगेगा कि भाई इतने सालों के बाद मैंने 11,800 फॉलोअर्स मेरे हैं, तो ट्विटर अगर बैन हो जाएगा तो मेरा अकाउंट भी चला जाएगा, बड़े मेहनत से इतने फॉलोअर्स मिले हैं मुझे, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। मगर फिर भी आज मैं बोल रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को मैं बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आप प्लीज ट्विटर को बैन कर दीजिए, क्योंकि ये ट्विटर क्या कर रही है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है और ये हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो हमारे देश के लोगों को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश कर रही है। तो हमको क्यों चाहिए ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, हमको क्यों चाहिए? हम जब भी देखते हैं फेक न्यूज़ तो कितना दिखता है हम लोगों को, कितने मेरे पहचान के कितने लोग हैं जो पूरी फैक्ट्स लाके बता देते हैं कि ये फेक न्यूज़ था, मगर उसके बाद भी बोला जाता है, ट्विटर को बोला जाता है कि भाई ये फेक न्यूज़ है। तो नहीं, हाँ, संबित पात्रा ने जब टूलकिट के बारे में किया तो मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के ब्लू टिक को हटा दिया, हमारे आरएसएस के हेड के श्री मोहन भागवत जी के ब्लू टिक को हटा दिया, आरएसएस के बहुत सारे मेंबर्स के ब्लू टिक को हटा दिया। क्यों? वो वेरीफाइड नहीं है। अगर मैं आज ब्लू टिक के लिए जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा, मगर एक अगर कांग्रेस सपोर्टर या लेफ्ट सपोर्टर आता है, उसको 20 फॉलोअर्स रहते तो भी उसको ब्लू टिक मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता, मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया ब्लू टिक के लिए, मुझे वो क्रेज नहीं है, जिनको है वो अपना देखते बैठे। मगर मेरा क्या कहना है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक अगर आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके ट्विटर आपके साथ अच्छा बिहेव करना है या बुरा बिहेव करना है डिसाइड करता है, तो ट्विटर इज इन नो प्लेस टू टेल अदर्स हाउ एंड व्हाई इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू स्पीक। इट इज नॉट, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर अ सर्टन पीपल बिलोंगिंग टू द राइट विंग्स आर हैरेस्ड and a certain certain number of people who are in the left wing or with the Congress or with the people Twitter is pally with are supported, they are forwarded and they always try to create unrest in the country, khalistaniyon ka bol dijiye, farmers protest ka bol dijiye, दंगे होना बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो सारी चीजें इनको चलता है। एक ट्वीट आया था कि जय श्री राम का नारा जो देते हैं वो लोग टेररिस्ट लगते हैं, उनका उनके खिलाफ रिपोर्ट हुआ मगर उनका कुछ नहीं हुआ, उनका अकाउंट वहीं वैसा ही है। तो मेरा क्या कहना है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। चाइना ने तो बैन करके रखा है, ट्विटर तो चाइना में नहीं चलता है, फेसबुक चाइना में नहीं चलता है, यूट्यूब चाइना में नहीं चलता है, मगर चाइना सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो हम भी करेंगे, नहीं चाहिए। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोल रही हूँ, स्विच कर लीजिए कूपे, चले जाइए कूपे या चले जाइए कोई और प्लेटफॉर्म पे, मगर ट्विटर बैन हो जाना चाहिए। अगर ट्विटर नहीं मानती है और अगर ट्विटर ऐसे ही काम करना चाहती है और हमारे देश को तोड़ने के ही साजिशों में जुड़ के रहना चाहती है, तो मैं भी यही कहूंगी कि गुड बाय ट्विटर, वी डोंट नीड यू, थैंक यू। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।